गोविंद सागर झील में चलने वाले मोटर बोटों का किराया बढ़ाने की मांग को लेकर मोटर बोट संचालकों ने अपने अल्टीमेटम पर अमल करते हुए हड़ताल का बिगुल बजा दिया है। हड़ताल के कारण बिलासपुर से लेकर भाखड़ा तक जलाशय में सन्नाटा पसरा रहा। एक भी मोटर बोट लहरों पर नजर नहीं आई, जिसके चलते मोटर बोटरों के माध्यम से जलाशय के उस पार से बिलासपुर आने वाले लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि दोपहर बाद के समय प्रशासन ने आश्वासन मिलने पर मोटर बोट संचालकों ने हड़ताल स्थगित कर दी है, लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि दो दिनों के भीतर किराया नहीं बढ़ाया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। भाखड़ा बांध की वजह से अस्तित्व में आया गोविंद सागर जल परिवहन का एक सशक्त माध्यम है। बिलासपुर से भाखड़ा तक लगभग 165 मोटर बोट करीबन 1000 रूटों पर चल रहे हैं। इस सड़क मार्ग की तुलना में मोटर बोट की यात्रा काफी सस्ती पड़ती है और साथ ही इसमें समय भी कम लगता है। उदाहरण के तौर पर मोटर बोट में बिलासपुर से ऋषिकेश का किराया 4 रूपए निर्धारित है और इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसकी तुलना में सड़क मार्ग से किराया 8-9 गुना अधिक है और समय भी 50-60 मिनट लगते हैं। ऐसे में गोविंद सागर के उस पार की दर्जनों पंचायतों के हजारों लोग मोटर बोटों के माध्यम से ही बिलासपुर आते जाते हैं। इसमें सैकड़ों स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और कर्मचारी भी शामिल हैं। मोटर बोट संचालक पिछले काफी समय से किराए में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व में न्यूनतम किराया 3 रूपए था, 2012-13 में 1 रूपए की बढ़ोतरी करके इसे 4 रूपए कर दिया था। तब से लेकर आज तक डीजल के दाम दुगने हो चुके हैं। मोटर बोट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली लकड़ी महंगी होने के साथ ही अन्य खर्च भी बढ़ गए हैं। न्यूनतम किराया 8 रूपए करने की मांग को लेकर उन्होंने का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी वजह से बिलासपुर में भाखड़ा तक एक भी मोटर बोट अपने रूट पर नहीं चला। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि गोविंद सागर से सटे ग्रामीण इलाकों में बस सुविधा भी नाम मात्र ही है। ऐसे में मोटर बोट न चलने की वजह से गंतव्य पर पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। हड़ताल की सूचना मिलने पर प्रशासन भी हरकत में आया। सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य ने लूणी पहुंचकर मोटर बोट संचालकों से मुलाकात कर उन्हें डीसी के साथ वार्ता का निमंत्रण दिया। इस पर मोटर बोट संचालक डीसी विवेक भाटिया के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मांग एक बार फिर से दोहराई। डीसी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि 2 दिनों के भीतर उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। ये आश्वासन मिलने पर मोटर बोट संचालकों ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय ले लिया। गोविंद सागर जल परिवहन समिति बिलासपुर के अध्यक्ष सोहन लाल और महासचिव परसराम ने कहा कि यदि आश्वासन के अनुरूप 2 दिनों के भीतर किराया नहीं बढ़ाया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। आज हम मोटर बोट मालिकों ने किराए के लिए मोटर बोटों की हड़ताल कर रखी है। जिला प्रशासन से हमारी उम्मीद है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। अगर पूरा कर देंगे तो हम हड़ताल खोल देंगे। अच्छा, बिलासपुर के किन किन जगहों पे इस टाइम हड़ताल की है? पूरा गोविंद सागर झील में,